हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या टाइम मशीन होती हैं या क्या टाइम ट्रेवल हो सकता है? दोस्तों, आज जो मिस्टीरियस बात हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप यकीन करेंगे कि टाइम ट्रेवलिंग हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन घोष ट्रेन टाइम ट्रेवल जैसे कई नामों से जानी जाती है, पर इस ट्रेन का असली नाम है जेनेटी। इस ट्रेन को पहली बार 14 जून 1911 में चलाया गया और वो इसका पहला और आखिरी सफर था। इस पहले सफर में 106 लोगों को साइट सीन के लिए बिठाया गया और इस ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट थे जो कि लोहे की रॉड से जुड़े हुए थे। साइट सीन के लिए इसका सफर छोटा था, पर वो इतना गहरा हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के लिए इस ट्रेन को एक टनल से गुजरना था और वो टनल 1 किलोमीटर का था। मिस्टीरियस या अनसॉल्व्ड बातें यहाँ से शुरू हुई जब ये ट्रेन को एक टनल से जाते हुए तो देखा, पर उसी टनल से बाहर निकलते हुए इस ट्रेन को किसी ने नहीं देखा। पास ही टनल के दोनों ओर ट्रेन चेकर्स ने ये चीज नोटिस की और एक दूसरे को कांटेक्ट किया। उन चेकर्स को ये लगा कि शायद ये ट्रेन खराब होने की वजह से अंदर ही फंस गई होगी, तो दोनों अपनी साइड से चले और टनल में दोनों मिले, पर उन्हें ट्रेन नहीं मिली। दोनों चेकर्स काफी डर गए और पुलिस और रेल डिपार्टमेंट को ये बात बताई। पुलिस को लगा कि शायद दोनों चेकर्स से कोई गलती हुई है, इसलिए वो लोग टेक्निकल टीम्स के साथ टनल गए। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि ट्रेन उन्हें नहीं मिली, और साथ ही साथ उनका डर भी कि आखिर अगर वो ट्रेन नहीं मिली तो फिर वो पैसेंजर्स और ट्रेन गई कहाँ। पर जो चेकर्स के साथ हुआ वो पुलिस और टीम्स के साथ भी हुआ। टनल दोनों ओर से खाली थी। ये काफ़ी मिस्टीरियस बात थी कि आखिर वो ट्रेन कहाँ गई और साथ ही साथ 106 पैसेंजर्स कहाँ गए। रोमन रेलवे कोई भी कदम उठाती उससे पहले ही दो लोग रोमन रेलवे के पास आए और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो दो लोग 106 लोगों में से थे और उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए उन्होंने चलती ट्रेन में से छलांग लगा दी थी और उन्होंने छलांग टनल में ट्रेन घुसने से पहले ही लगा दी थी। और इन्होंने देखा कि वो ट्रेन टनल से पहले किसी दरवाजे में प्रवेश कर रही है और उस दरवाजे के आसपास बहुत धुआं है। इन सब में ही एक बात और सामने आई कि अगर इन दोनों लोगों ने ट्रैक के पास ही छलांग लगाई थी तो पुलिस या फिर ट्रेन चेकर ने इन दोनों लोगों को क्यों नहीं देखा। इस बयान के बाद रोमन रेलवे ने इस टनल को दोनों साइड से बंद कर दिया। जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस ट्रेन से जुड़ी और भी मिस्ट्रीज सामने आ रही थी। 104 लोगों में से एक व्यक्ति के परिवार ने 1926 में आर्ची रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 1848 में मैक्सिको के पागलखाने में 104 लोग भर्ती हुए और कॉमन बात थी कि उनका कहना था कि वो रोम से आए हैं। सबके सब इटालियन थे और साथ ही साथ सबका कहना था कि वो ट्रेन से आए हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि रोम मैक्सिको के बीच में 10,234 किलोमीटर का फासला है और इस रास्ते के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी हो सकती है तो वो है सिर्फ शिप्स के थ्रू। अब इन लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया गया और मैक्सिको ने इन लोगों के रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए, बट इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर ये लोग सच में रोम से आए थे तो ज़रूर इनका शिप में कोई रिकॉर्ड होगा, बट इनका कोई भी रिकॉर्ड शिप से भी नहीं मिला। क्या ये सब सच बोल रहे थे? शायद ये सच बोल रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ सामने आया जो इनकी बातों को सच बना रहा था। वो था एक पैसेंजर जो कि 104 लोगों में से था, उसके पास एक तबैको बॉक्स मिला जिस पर प्रिंट था 1907 का। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी के पास 1845 में 1907 का बॉक्स हो जिस पर प्रिंट डेट फ्यूचर की डली हो। इन 104 लोगों की और उस ट्रेन की आज भी बातों को मिस्टीरियस माना जाता है। इस ट्रेन को कई बार बहुत जगह देखा गया जैसे रशिया, जर्मनी, इटली, इंडिया, रोमानिया, और जब लोगों से पूछा गया तो सबने बताया कि अचानक से ये ट्रेन प्रकट हुई
जिसमें 3 कंपार्टमेंट थे, बट फिर वो कहीं गायब हो गई। उसी तरह 1951 में पॉलिटिविया में इस ट्रेन को एक इन्वेस्टिगेटर ने देखा और वो उस ट्रेन में चढ़ गया। अब तक उसका भी कुछ पता नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर विश्वास करना या किसी निष्कर्ष पर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये ट्रेन एक लूप में फंसी है, इसलिए ये समय में आगे पीछे घूमती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के लिए एक सवाल, अगर आप लोगों को इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले तो आप कहाँ और कौन से ईयर में जाना पसंद करोगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।